सबसे पहले बात कांग्रेस के प्रदेशव्यापी जंगी प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद बात होगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर तकरार की भी। वहीं गरीब के लिए सरकार की ओर से भेजे जाने वाले राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। इसके अलावा बात होगी भगवान के प्रसाद की भी, जिसे धर्म भ्रष्ट करने वाला बताया जा रहा है। और आपको बताएंगे कैसे एक सेकेंड में मौत से मुलाकात हो गई। पांच की आंच में सबसे पहले बात कांग्रेस और कांग्रेसी किसान न्याय यात्रा की कर लेते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से प्रदेशव्यापी किसान न्याय यात्रा निकाली गई है। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर तक किसान न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने सरकार पर बोला है हल्ला। इंदौर में जीतू पटवारी के साथ साथ दिग्विजय सिंह भी यहां प्रदर्शन के लिए पहुंचे। शहर शहर से जो प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और किसानों को लेकर मांगों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया था। वादा किया गया था लेकिन अब तक आय नहीं बढ़ी है। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन की, सोयाबीन की एमएसपी 6000 रुपए करने समेत कई मांगों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। एमपी में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा भोपाल टू इंदौर, कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। सड़क पर उतरे कांग्रेस के दिग्गज नेता। किसान के बहाने सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली। किसानों के बहाने कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राजधानी भोपाल से इंदौर तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला। इंदौर में जीतू पटवारी के साथ दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। इस दौरान जीतू पटवारी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए तो दिग्विजय सिंह उनके पास बैठे दिखाई दिए। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसान न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैतूल में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान न्याय यात्रा निकाली। रैली में 20 से 25 ट्रैक्टरों पर सवार होकर कांग्रेस नेता निकले। ग्वालियर में पूर्व मंत्री सचिन यादव के नेतृत्व में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उनकी जो परेशानी है उसको सरकार समझ नहीं रही, लगातार उनकी जो आवाज है उस आवाज को ये सरकार नजरअंदाज करने का काम कर रही है। लगातार सरकार ने अनेकों वादे हमारे किसान साथियों को किए लेकिन एक भी वादा जो है सरकार ने पूरा नहीं किया। सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का काम किया जाएगा, आज दिनांक तक किसानों की आय दुगनी होना दूर की बात है। किसानों की जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य तक नहीं निकल पा रही है। किसान न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने सरकार से सोयाबीन की एमएसपी 6000 रुपए करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, खरगोन समेत पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। उधर कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीडी शर्मा ने कहा कि जो किसानों से वादा खिलाफी कर रहे हैं वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों के साथ वादा खिलाफी की कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं। कमलनाथ के नेतृत्व में बनी हुई सरकार झूठ बोल करके बनी थी। किसान कर्जा माफी वादा खिलाफी किसने की? 1.5 साल तक आपकी सरकार रही, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। किसानों के सहारे कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और प्रदेश में विकास कार्य के फंड को लेकर सियासत होने लगी। अब कांग्रेस विधायकों ने भी सीएम से मिलकर अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए राशि मांगने का समय मांगा है। बता दें कि सीएम ने बीजेपी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट मांगा था और 4 साल में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कही थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार विपक्ष की मांगों पर ध्यान ही नहीं देती है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि सीएम मुलाकात के लिए समय भी देंगे और विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पैसा भी देंगे। वही कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एमपी की सरकार भेदभाव की राजनीति नहीं करती है और पूरे मध्य प्रदेश का विकास करना सरकार का विजन।
सरकारें होती थी हम विपक्ष को सम्मान देते थे और उस समय विपक्ष सरकारों का आदर किया करता था, लेकिन आज इस तरह की सरकार हमने पहली बार देखी है जो अपनी पार्टी के विधायकों को विकास करने के लिए पैसे का अलॉटमेंट कर रही है, अपने विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात कर रही है। क्या वो जनता जिसने विपक्ष को चुना है, क्या इस मध्य प्रदेश की जनता नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश का समग्र रूप से विकास कर रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान कल्याण की राशि हो, उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलती है। विकास योजनाएं भी सभी क्षेत्रों में समान रूप से चल रही है। ये तो कांग्रेस का नकारापन है जो कि कभी भी विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहीं दतिया में मुक्ति धाम से अब अस्थियां तक गायब होने लगी हैं। मामला भांडेर के मुक्ति धाम का है, जहां अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां गायब हो गईं। परिजनों ने नगर परिषद अध्यक्ष पति पर जानबूझकर मरघट से अस्थियां हटाने का आरोप लगाया और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष का पति रामजीवन उर्फ छोटे राय की कार शमशान के आसपास देखी गई। इसी आधार पर परिजनों ने अस्थियां गायब कराने की आशंका जताई थी, जिस पर पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने 14 सितंबर को शमशान में अंतिम संस्कार किया था। 14 सितंबर का मामला है, जिसमें शमशान घाट से फ्यूनल के बाद जो अस्थि और राख होती है उसके गायब होने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसपे कल थाने पर FIR कायम करके विवेचना की जा रही है और उसमें शीघ्र ये पता लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया था, जो भी तथ्य है विवेचना के दौरान स्पष्ट हो जाएंगे। और खबर हरदा से है, जहां कार पर पेशाब करने से नाराज पूर्व आयकर अधिकारी ने अनुसूचित जाति के लड़के से मारपीट की। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पूर्व आयकर अधिकारी DP ओझा पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्व आयकर अधिकारी सीसीटीवी वीडियो में लात घूंसे से मारपीट करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि एक व्यक्ति पब्लिक स्पेस पे लेटरिंग कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं और उनको देख के एक दूसरे व्यक्ति जो है उस बिल्डिंग के ऊपर से आए और उनको साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं वीडियो में। और वीडियो के अंत में ऐसा दिख रहा है कि उसकी शर्ट भी फट गई है और शर्ट उतार दी है, तो ऐसा दिख रहा है। अब वीडियो की जांच भी की जाएगी और इसमें पूर्ण विवेचना की जाएगी। PDS की दुकानों में मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी जारी है और ऐसे मामले अलग अलग शहरों से सामने आए हैं, जहां सरकारी राशन की दुकान से PDS के गेहूं का चावल कालाबाजारी धड़ल्ले से किया जा रहा था। खाद्य विभाग और प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी सरकारी राशन की कालाबाजारी पर नकेल नहीं कसी जा पा रही है। गरीब का हक कौन डाल रहा डाका? सरकारी राशन की कालाबाजारी, प्रशासन की सख्ती फिर भी नहीं है डर। धड़ल्ले से जारी है राशन की कालाबाजारी। राशन की सरकारी दुकानों पर गरीब के हक पर डाका डाला जा रहा है। गरीब के राशन की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। जो राशन गरीब को मिलना चाहिए वो व्यापारियों को गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है। सतना में ग्रामीणों ने ऑटो से सरकारी राशन पकड़ा। शिकायत के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और राशन दुकान को सील कर दिया गया। तो वहां ये पता चला कि कोटा से अनाज निकाल करके और ये लिए जा रहे हैं। फिर वहां गाड़ी से हम ऑटो का पीछा किया तो अमृती चौराहा तक ऑटो निकल आया था। यही अमृती चौराहा में हमने ऑटो को रोक लिया और ऑटो वाला इसी भाग रहा था कि हमको सतना जाना है, गल्ला उतार कर गल्ला फेंक कर चले गए। शाजापुर में भी पुलिस ने 30 क्विंटल चावल पकड़ा है, जिसे एक वाहन के जरिए ले जाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। विदिशा में भी सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने 2 क्विंटल PDS का गेहूं और चावल बरामद किया।
इलाके में पीडीएस के चावल की बड़ी मात्रा में कालाबाजारी की बात कही जा रही है। हमारे पास सूचना मिली थी कि पीडीएस का जो चावल है वो अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है। चावल और गेहूं दोनों की सूचना मिली थी, तो जिस गाड़ी में चावल लिया जा रहा था, चावल और गेहूं वो जब्त करके उसको हमने सुपुर्दी में वेयरहाउस में दिया है। चावल के मामले में हमने पहले भी 3 FIR कराई है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, फिर भी सरकारी राशन की कालाबाजारी पर नकेल नहीं कस पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और त्रिपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विवाद को लेकर केंद्र सरकार अब एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मामले को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि FSSAI मामले की जांच करेगी, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फॉरेन फैट, जो मिठाई प्रसाद को बनाने के लिए घी इस्तेमाल होता है, उसमें फॉरेन फैट की मौजूदगी इस टेस्ट रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है, और इसी को लेकर अब ये पूरा विवाद अब आगे बढ़ रहा है। तो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास तिरुपति के प्रसादम में मिलावट मामले में हिंदुओं की आस्था के साथ से खिलवाड़ बता रहे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो VHP ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। ये तो हिंदू का विश्वास का इश्यू है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का पवित्रता कंटिन्यू करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने CBI इंक्वायरी से भी करना है। उधर तो ये तो तिरुमला तिरुपति देवस्थान एक ही आंध्र प्रदेश को, एक ही तेलंगाना को, तेलुगु राष्ट्र दो तेलुगु स्टेट्स को नहीं है, पूरा इंटरनेशनल जो विश्व में जो हिंदू है उसका पवित्र भगवान पवित्र दैव है वो, इसलिए ये तो प्रसाद में जो प्रसाद में कोलेस्ट्रॉल किया था ना, एनिमल कोलेस्ट्रॉल यूज किया था ना, उसका ऊपर वो एविडेंस से आधार के लेकर पूरा उनको सजा देना है। और गवर्नमेंट से मैं एक ही डिमांड कर रहा है, ये पूरा CBI इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मांस, चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने के मामले को लेकर राजधानी भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच ने जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। इस दौरान कहा कि हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया जा रहा है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, जो आज भोपाल में विरोध प्रदर्शन हुआ है, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। जो हिंदू संगठन है वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ। और मध्य प्रदेश में 5 साल के अंदर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनने जा रहा है। कूनो और गांधी सागर के बीच ये नया चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें MP के 8 जिले होंगे। वहीं राजस्थान के 7 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिले इस कॉरिडोर में शामिल किए जा रहे हैं। चीता संरक्षण क्षेत्र में शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, गुना के साथ ही अशोकनगर, मंदसौर और नीमच के जंगल भी शामिल किए जाएंगे। और अब बात उस खबर की जो आपको खबरदार करती है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड से आ रही कार से टकरा जाती है। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, और हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार से सड़क पर बाइक चलाता दिखाई दिया है। इस दौरान सड़क पर एक मोड़ आया और जैसे ही
उसने अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी, रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार से वो टकरा गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उस कार सवार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में आरोपी कार ड्राइवर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हादसे में मरने वाले मोटरसाइकिल सवार का नाम अक्षत गर्ग था, जिसकी उम्र 23 साल थी। लेकिन इस घटना में हर किसी का इस घटना ने दिल दहला दिया, क्योंकि वीडियो सामने आया है और दरअसल जो साथी बाइक सवार थे वो इस पूरी राइडिंग का खुद वीडियो भी बना रहे थे। यही मांगो कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया उसको, क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया, क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा बस। और जिस तरह का हादसा साइबर सिटी गुरुग्राम में हुआ है, कुछ ऐसा ही हादसा कल राजधानी दिल्ली में भी हुआ था, जहां एक कार हादसे का शिकार हो गई थी। आए दिन लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं और हादसों में लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन फिर से इनसे सबक नहीं लिया जा रहा। हर बार लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दो तस्वीरें, एक दिल्ली में हुए हादसे की, एक गुरुग्राम में हुए हादसे की। और जहां दिल्ली में आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी टकराती है डिवाइडर की रेलिंग से, और रेलिंग आर पार देखिए गाड़ी के हो जाती है। इसमें चार लोग बैठे थे, चार छात्र जो जख्मी हुए हैं। और अब यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देश को किया गौरवान्वित, कृतिका पवार का थाईलैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग की प्रतियोगिता में चयन। गुना के इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर लाइट की फिटिंग के दौरान हादसा, युवक की पेड़ से गिरने से मौत। दिल्ली में नक्सल पीड़ितों से मिले गृहमंत्री अमित शाह, कहा एक साल में प्रदेश से नक्सलवाद का होगा खात्मा। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, गृहमंत्री विजय शर्मा के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी। महासमुंद के भोरिंग में सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए बच्चे, स्कूल जाने में छात्रों को होती है परेशानी। दुर्ग में अतिक्रमण के खिलाफ फिर चला बुलडोजर, नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर हुई कार्रवाई। बिलासपुर में तोते की तस्करी का खुलासा, आरपीएफ ने ट्रेन से 120 तोते बरामद किए, 3 तस्कर गिरफ्तार। सीएम साय ने पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित किया, पुस्तकों को रद्दी बनाने की घटना को लेकर एक्शन। छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण में हुई नियुक्तियां, विधायक गोमती साय, लता उसेडी, प्रणव कुमार, गुरु खुशवंत साहेब की नियुक्तियां। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना, कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे अवैधानिक टिप्पणी। बिलासपुर में नया रिवर व्यू बना आशिकी का अड्डा, प्रेमी जोड़ों के अश्लील हरकतों का वीडियो वायरल। कांकेर में भालुओं का खौफ, आमूड़ा हॉस्पिटल में भालू दिखने से लोगों में दहशत। कोरबा में ढाबे की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार, ढाबे से 800 लीटर चोरी का डीजल, देशी विदेशी शराब और गांजा बरामद। कवर्धा में जादू टोने के शक में पति पत्नी से मारपीट का मामला, घर के लोगों पर ही मारपीट के आरोप। कांकेर में दो सगे भाइयों ने नौकरी के नाम पर 7 लाख ठगे, दोनों गिरफ्तार। दुर्ग में केंद्रीय जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नारकोटिक्स एक्ट के तहत जेल में था बंद। दुर्ग में चाकूबाजी की घटना से फैली सनसनी, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। सुकमा से सटे ओडिशा में नक्सलियों के मंसूबों पर जवानों ने फेरा पानी, मलकानगिरी में बम, बीएसएफ ने बम को रेस्ट किया। बलौदाबाजार में एकलव्य आवासीय स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी शिक्षक संजय पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिलासपुर में फिर मिले स्वाइन फ्लू और डेंगू के मरीज, स्वाइन फ्लू के 6 एक्टिव केस, 2 डेंगू के। मुंगेली में साहू समाज और आराध्य पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पत्र पोस्ट कर आरोपी ने की थी अभद्र टिप्पणी। पेंड्रा में अवैध रेत खनन और परिवहन की खुली पोल, अवैध रेत से भरा हाईवा बेकाबू होकर सड़क किनारे ग्रामीण के घर पर पलट गया। इंदौर में किसानों के लिए कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प, फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलाए जाने को लेकर भोपाल में विरोध प्रदर्शन, संस्कृति बचाओ मंच ने जगनमोहन रेड्डी का पुतला फूंका।
भोपाल में एनआरईटीपी कर्मचारियों का प्रदर्शन, आजीविका मिशन प्रोजेक्ट में मर्जर की मांग। मुरैना में बदमाशों ने की दिनदहाड़े फायरिंग, दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने की फायरिंग। बैतूल में गड़ा टोल प्लाजा पर बस ड्राइवर और टोल कर्मियों के बीच हुआ विवाद, दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। श्योपुर में चलती हुई कार में अचानक लगी आग, चंद मिनटों में कार जलकर हुई खाक। विदिशा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक गाड़ी से सरकारी राशन किया बरामद। शाजापुर में लोडिंग वाहन से ले जाया जा रहा 30 क्विंटल चावल पकड़ा गया, पीडीएस का चावल होने की आशंका। सतना में गरीबों के हक का गेहूं ऑटो रिक्शा में भरकर बाजार में बेचा जा रहा था, गांव वालों ने पकड़ा ड्राइवर फरार। सिवनी में विधायक निधि की राशि में घोटाले का आरोप, कांग्रेस के विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने लगाया आरोप। सागर में जैन मुनि श्री सुधा सागर जी 42वें दीक्षा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए ओम बिरला। रीवा में पिता ने दो बच्चों के साथ टमस नदी में लगाई छलांग, कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने की आशंका। भिंड में झूले से गिरकर 11 महीने के मासूम की मौत, बड़ी बहन के साथ झूला झूल रही थी मासूम। देवास में शिप्रा नदी पर चलाया स्वच्छता अभियान, नदी की गंदगी को किया गया साफ। इंदौर में लापता 4 साल के किशु को अब तक नहीं लगा सुराग, पिछले 4 दिन तक तलाश रही है इंदौर पुलिस। खंडवा में शराब पीते मिले 5 इंटर्न डॉक्टर्स पर गिरी गाज, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने हॉस्टल से किया निष्कासित। सीधी में मिला दुर्लभ प्रजाति का सांप, लोगों में दहशत। भोपाल में 5 साल के अंदर बनेगा चीता कॉरिडोर, कूनो और गांधी सागर के बीच बनेगा चीता कॉरिडोर। बुरहानपुर के कानापुर गांव की बेटी ने देश को किया गौरवान्वित, कृतिका पवार का थाईलैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग की प्रतियोगिता में चयन। गुना के इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर लाइट की फिटिंग के दौरान हादसा, युवक की पेड़ से गिरने से मौत। दिल्ली में नक्सल पीड़ितों से मिले गृहमंत्री अमित शाह, कहा 1 साल में प्रदेश से नक्सलवाद का होगा खात्मा। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, गृहमंत्री विजय शर्मा के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी। महासमुंद के भोरिंग में सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए बच्चे, स्कूल जाने में छात्रों को होती है परेशानी। दुर्ग में अतिक्रमण के खिलाफ फिर चला बुलडोजर, नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर हुई कार्रवाई। बिलासपुर में तोते की तस्करी का खुलासा, आरपीएफ ने ट्रेन से 120 तोते बरामद किए, 3 तस्कर गिरफ्तार। सीएम साय ने पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित किया, पुस्तकों को रद्दी बनाने की घटना को लेकर एक्शन। छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण में हुई नियुक्तियां, विधायक गोमती साय, लता उसेडी, प्रणव कुमार। एप्पल आईफोन के 16 सीरीज की बिक्री भारत में आज से शुरू हो गई है, जिसे लेकर भारतीयों में गजब की दीवानगी देखने को मिल रही है। दिल्ली में आईफोन की सेल को लेकर स्टोर के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। एप्पल आईफोन 16 खरीदने के लिए सुबह से ही लोग स्टोर के बाहर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली है देर रात से ही, क्योंकि स्टोर खुलते ही सबसे पहले फोन लेने की जो ललक थी इन लोगों में थी। दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आईफोन का ये क्रेज है, और हालांकि आईफोन का अगर जिक्र करें तो 4 अलग अलग कैटेगरी में आईफोन 16 लॉन्च हुआ है। पांच की आर्च में इतना ही।